स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जाती है? ए वाराणसी, बी पुरी, सी ऋषिकेश, डी हरिद्वार। आंसर बी पुरी। एक्सप्लेनेशन। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई रविवार से ओडिशा के पुरी में शुरू हो गई है। ये यात्रा 16 जुलाई तक चलेगी। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संत साल में एक बार प्रसिद्ध गुंडिचा माता के मंदिर में जाते हैं। इस पवित्र रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बहन और भाई संत पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है, फिर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि पर इसका समापन होता है। अगला प्रश्न। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा? ए 23 जुलाई, बी 24 जुलाई, सी 25 जुलाई, डी 26 जुलाई। आंसर ए 23 जुलाई। एक्सप्लेनेशन। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हुई है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेगी। इसके साथ ही सीतारमण लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, ये किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी असम, डी ओडिशा। आंसर डी ओडिशा। एक्सप्लेनेशन। ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा कर रही है। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई है। शिलालेख जैन नमोकार मंत्र से शुरू होता है और ओडिशा के प्राचीन नाम कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों को दर्शाता है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। आंसर सी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग मित्र वन की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करेंगे। इस पहल में वृक्षारोपण जन अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न। किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च की है? ए टीवीएस, बी बजाज, सी रॉयल एनफील्ड, डी हीरो। आंसर बी बजाज। एक्सप्लेनेशन। दोपहिया और तिपहिया वाहनों की दुनिया की अग्रणी निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की। बजाज फ्रीडम सीएनजी मोटरसाइकिल सिर्फ 2 किलोग्राम सीएनजी ईंधन पर 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रदान करती है। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी होगा, जो 130 किलोमीटर की रेंज देगा। बजाज फ्रीडम मोटरसाइकिल पेट्रोल मोटरसाइकिलों की तुलना में 26.7% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है।